संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पांचवी प्रतिमा सचित्त त्याग प्रतिमा के संदर्भ में जैन आहार विज्ञान की वैज्ञानिकता पर अपन विचार कर रहे थे कि दो इंद्री से लेकर जो पांच इंद्री तक के जीव हैं, जैसे लट हैं, केंचुए हैं, मक्खी हैं, मच्छर हैं, चींटी हैं, चिंटे हैं, हाथी घोड़े गाय भैंस कुत्ते बिल्ली हैं, मनुष्य हैं, ये सब दो इंद्री से लेके पांच इंद्री तक के जीव त्रिस जीव कहलाते हैं। इनका जो शरीर होता है उसमें मांस अवश्य होता है। इसके अलावा एक इंद्रिय जीव भी हैं जिन्हें ये सारा जगत जीव ही नहीं मानता है। अभी वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने वनस्पति में भी जीव है ये सिद्ध किया है, तो दुनिया के वैज्ञानिकों ने माना। लेकिन जैन दर्शन ने तो लाखों लाखों वर्ष से पहले ही ये बात कह दी कि वनस्पति में भी जीव है। तो वे एक इंद्रिय जीव जिसे हम स्थावर जीव कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। अब ये देखिए, हमारा जीवन कायम रखने के लिए इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। हम बिना पानी पिए रह सकते हैं? हमें कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। तो खाने में कि बहुत सारे पदार्थ वनस्पति से ही पैदा होते हैं, है ना। अग्नि के बिना भी काम नहीं चलता है। सांस तो 24 घंटा लेने ही लेने हैं। तो इस तरीके से ये जो एक इंद्रिय जीव है, इनका शरीर हमारे काम में आता है। तो जो मांस खाने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि हमारा, हम जो खाते हैं वो भी किसी जीव का शरीर है, और आप भी उपयोग में लेते हो या खाते हो वो भी किसी जीव का शरीर है, है ना। तो क्या फर्क रहा दोनों में? तो बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि वो मांस के खाने में जिसको जीव को मारे उस जीव की हिंसा तो होती ही है, लेकिन उसमें वैसे ही अनंत जीव और पैदा होते रहते हैं प्रति समय, उनकी भी हिंसा होती है। और जो इन एक इंद्रिय जीवों की हिंसा की बात कहाँ है? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पवित्र आहार चावल को माना गया है, और उसे हम भगवान की पूजा में भी काम लेते हैं। क्यों? कि उसमें बिल्कुल जीव नहीं है, निर्जीव है। यहां तक कि उसे बोए तो वो उगेगा भी नहीं, माने उसमें भविष्य में जीव के आने की संभावना भी नहीं है। फिर दूसरे नंबर का हमने गेहूं, चने, ज्वार, बाजरा ऐसे अनाजों को दिया, तो ये अनाज भी जो सूखे हैं उनमें बिल्कुल जीव नहीं है। लेकिन वो जीव तो नहीं है, लेकिन बीज हैं, उन्हें बोएंगे तो उगेगा और बाद में उनमें जीव आ सकता है। थोड़ा पानी खाद का मौका मिले तो जीव आ जाएगा, इसलिए हमने उसे दो नंबर पर रखा। वर्तमान में तो वो बिल्कुल प्योर अजीव है, उसमें कोई जीव नहीं है। फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जी, वो आखिर किसी, जब वो पैदा पौधा हुआ था ना, तब तो वो जीव था और उसे आपने लिया है। तो भाई साहब, आप जानते हैं अनाज कैसे पैदा होता है? जब वो पौधा जिसमें अनाज लगता है अपना जीवन पूरा अपनी अच्छी तरह से करके और सूख जाता है, माने मर जाता है, बिल्कुल सूख जाता है, तब वो अनाज पैदा होता है। उसके पहले यदि हम उसे काट लें जिंदा को, तो वो अनाज नहीं होगा, फिर वो अनाज ढंग से नहीं पकेगा। इसका मतलब यह है कि बिल्कुल उसमें हमने किसी जीव की हिंसा नहीं की गेहूं को प्राप्त करने में। वो जब स्वयं गेहूं का पौधा अपना बुढ़ापे में आकर के मर गया, तब उसका हमने उपयोग किया है, तो उसमें बिल्कुल हिंसा नहीं है। और गजब की बात तो यह है कि उसके बदले में हमने उसको जीवन भर सुरक्षा प्रदान की है, बोया है, पानी दिया है, खाद दिया है, और दूसरे कोई पशु उसे खाना जाए, बाड़ लगाई है, उसकी रक्षा की है। और जब वो अपने आप मर गया तब उसके शरीर को हमने काम लिया है। कितनी बढ़िया सुविधा उसे प्राप्त है। ये हमें और आपको कहां प्राप्त है बोलिए? हमसे कोई आदमी कहे कि आप हमारे लिए सिर्फ इतना कह दीजिए कि जब आप अपने आप मर जाएं तो आपके शरीर का उपयोग हम अपने काम में कर ले लेंगे, आंखें किसी को लगा देंगे, किडनी किसी को लगा देंगे,
और उसके बदले में आपके सारे जीवन की जैसी व्यवस्था आप चाहते हैं, खाने की, पीने की, रहने की, उठने बैठने की, हम करने को तैयार हैं। तो मैं तो अभी भी तैयार हूं, तो मेरे जैसे बहुत से लोग तैयार हो जाएंगे ना। हमें ये सुविधा कोई देवी तैयार नहीं है, क्यों? लेकिन गेहूं को यह सुविधा प्राप्त है, चने को यह सुविधा प्राप्त है कि बदले में हम सारी जिंदगी उसकी सेवा करें, सुरक्षा करें, खाने पीने की व्यवस्था करें, और जब वो मर जाए तब उसका हम उपयोग करें। अपने गाय को घास भी डालें तो वही सूखी घास। इसलिए बिल्कुल वो अहिंसक हमारा जीवन है। यद्यपि वो गेहूं भी जीव का शरीर है, लेकिन उससे जीव को कोई तकलीफ नहीं पहुंची है, बल्कि आराम मिला है। यदि हम गेहूं नहीं खाते होते तो गेहूं के पौधे की सुरक्षा इतनी कौन करता, उसे खाद पानी कौन देता, बोलिए। इसलिए वो बिल्कुल अहिंसक है। अभी हम थोड़े थोड़े आगे बढ़ते हैं कि ये जो पेड़ हैं, ये तो पौधों के फल हैं, गेहूं चावल अनाज जिसे अपन बोलते हैं, वो पेड़ों पे फूल और फल लगते हैं। तो अपने आप पेड़ों की जड़ को खाने के लिए सर्वथा मना है, क्योंकि जड़ खाएंगे तो पूरा पेड़ नष्ट हो जाएगा। उस जड़ में जो जीव है वो तो अलग बात है, तो हम उसके पूरे पेड़ को नष्ट नहीं हो जाए तो जैन आहार विज्ञान कहता है कि नहीं, जड़ नहीं खाना, जमी कंद नहीं खाना, एक साथ में आ गया ना, जो जमीन के नीचे वाला हिस्सा वो कभी काम में नहीं लेना, क्योंकि उससे पेड़ के जान जीवन को खतरा है। फिर तने को भी हम नहीं खाते, फिर डाली को भी हम नहीं खाते। वो तीन चीजें हमारे उपयोग में आती हैं, कौन सी? कभी कोई फूल, कभी पत्ती और कभी फल। तो फूल, पत्ती और फल में भी हमने बहुत वर्गीकरण किया। ऐसा कहा कि जो फल अपने आप पक करके जमीन पर गिर जाएं, जो पत्ते अपने आप गिर जाएं, जो फूल अपने आप गिर जाएं, हम उनका उपयोग करें तो पेड़ को कुछ भी तकलीफ रंज मात्र नहीं होगी। ऐसे फलों को ख्याल में है ना, ऐसा उपयोग। फिर भी फूलों के आश्रय से बहुत तृष्ट जीव रहते हैं, तो फूलों का सेवन का फिर निषेध कर दिया। सूखी पत्ती कोई काम में नहीं ली जाती है, जब भी ली जाती है हरी पत्ती काम में ली जाती है तो उसको सचित्र कह करके उसका फिर निषेध कर दिया कि हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, ये सचित्र त्याग हो गया ना। फल भी यदि हम तोड़ेंगे तो थोड़ी बहुत तकलीफ उसे होगी, फूल पत्ती तोड़ेंगे तो तकलीफ होगी, फिर भी जान जोखिम में तो नहीं है, वो पेड़ मरेगा तो नहीं। तो हमें यदि उतनी वो लेते भी हैं तोड़ करके भी फूल पत्ती, तो उसमें ऐसी हिंसा नहीं है कि जान जोखिम में है, बस ऐसी हिंसा है कि हम किसी को छोटा सा एक चांटा मार दें, ऐसी नहीं है गोली से उड़ा दें। फिर भी हमारे यहां अष्टमी चतुर्दशी को वो भी नहीं खाना हरी सब्जी, जिससे हमें याद रहे कि इसके सेवन से किसी जीव को तकलीफ होती है ना। तो कहते सचित्त, जिसमें जीव, चित्त माने जीव, वो मौजूद है, ऐसे पदार्थ का सेवन नहीं करना, उसका नाम है सचित्त त्याग प्रतिमा। हम उसके नीचे के ग्रस्त भी अष्टमी चतुर्दशी को नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उससे हमें याद तो रहे कि इसमें जीव है, जीव को कोई तकलीफ पहुंची है, तो हमने इसका इस तरह से उपयोग किया है। तो इस तरीके से वो कोई भी सचित्त वस्तु का अपने जीवन में उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए सचित्त त्याग प्रतिमा है। यद्यपि त्याग तो इसका पहले भी कराते आए हैं, लेकिन यहाँ वो निरतिचार बिल्कुल पूरी तरह मर्यादा में रह करके उसका त्याग होता है। तो अब देख, खाने को, हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं को कितना सीमित किया, कितना परिमित किया, कितना व्यवस्थित किया, और अहिंसा के दृष्टिकोण से किया, और वितरागता के दृष्टिकोण से किया, हमारे अंदर का राग तोड़ने के दृष्टिकोण से किया, इच्छा के निरोध के दृष्टिकोण से किया, पेट के निरोध के दृष्टिकोण से नहीं किया। दो बातों का बहुत ध्यान रखा है कि हमारे शरीर में ऐसी कोई वस्तुओं की कमी ना हो जाए जिससे हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ा जाए। यद्यपि शरीर से आत्मा के धर्म का कोई संबंध नहीं है,
लेकिन ये आत्मा जब तक शरीर में है ना, तो शरीर विकृत होने से इसके परिणामों में अस्थिरता आती है। यदि शरीर स्वस्थ रहे तो परिणाम में भी स्वस्थ रहते हैं। तो इस दृष्टि से ना इससे बैर करना और ना इससे दोस्ती करना। इसके लिए आचार्यों ने बहुत बढ़िया उपमा दी है, इसे अपने पड़ोसी जैसा व्यवहार करना। समय सार्ग में एक कलश आता है, क्या पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, कि इस शरीर को तुम पड़ोसी के समान समझो। पड़ोसी के समान समझने का मतलब क्या, घर का भी नहीं समझो और दूर का भी नहीं समझो, परदेसी भी मत समझो। क्या मतलब, क्यों जी, अपने पड़ोसी के घर में आग लगे तो बुझाना चाहिए कि नहीं बुझाना चाहिए, क्या बात करते हो, इसमें पूछने की क्या बात है, वो तो बुझाना ही चाहिए, क्यों बुझाना चाहिए, अपने घर में थोड़ी लगी, वो तो पड़ोसी के घर में लगी है ना। क्या आप कैसी बात करते जैनी होकर के, अरे हमें इतना परोपकार तो करना ही चाहिए, क्यों। तो मैं कहता हूं कि 100 गज दूर वाले मकान में पड़ोसी के मकान में आग लगी उसकी, कि उसकी भी बुझाना चाहिए, लेकिन लेकिन क्यों लग गया, इसमें उस पड़ोसी में क्या फर्क है, कि इसमें एक स्वार्थ है कि थोड़ी, यदि इस पड़ोसी के घर की आग नहीं बुझाई तो थोड़ी देर में वो आग हमारे घर में भी लग जाएगी, ख्याल में है ना। वो देख, वो आग हमारे घर में ना लग जाए इसके लिए पड़ोसी के घर की आग बुझाना, लेकिन अपने घर में और पड़ोसी के घर में एक साथ आग लगे तो पहले किसकी बुझाना, अपने घर की, ख्याल में है ना। तो शरीर के पड़ोसी की पेट की आग बुझाना, लेकिन साथ में आत्मा में आग लगे और शरीर में लगे तो पहले किसकी बुझाना, मैंने प्राथमिकता किसको देना, नंबर 1 पे किसको रखना, आत्मा को रखना, माने आत्मा जैसा नजदीकी भी नहीं मानना और पाकिस्तान जैसा दूर का भी नहीं मानना, समझ गया ना, पड़ोसी जैसा बस ऐसा व्यवहार करना, समझे ना। हमारे पड़ोस में शांति रहेगी तो हम भी शांति से रह सकेंगे, पाकिस्तान भी अपना पड़ोसी है भैया, देश के हिसाब से पड़ोसी है कि नहीं है, बोलिए, समझे ना। तो इसलिए कहते हैं कि शरीर को उनने कहा ना बैर विरोध रखना है, इसे शुद्ध सात्विक और स्वास्थ्य प्रद आहार अवश्य देना समय पर, लेकिन इसके पीछे हम कितने ही जीवों की हिंसा करें और नरक निगोद में जाने की तैयारी करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सचित्र त्याग प्रतिमा का खास उद्देश्य है। फिर आता है रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। ये रात्रि भोजन त्याग की बात, ये तो कहते आप पहले से जेनी पे लगा दी थी आपने पाक्षिक पे ही, तो उसे रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, अब यहां आकर के रात्रि भोजन की बात कर रहे हो त्याग की, इतनी ऊपर आकर के। लेकिन मेरे चित्त में तो एक बात और भी है, मुझे कहने का विचार नहीं था लेकिन अभी आता है कि कह ही दूं, क्यों अन्ना जी कह दूं। देखो किसी मां बहन ने अभी ब्रह्मचर्य तो लिया नहीं है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा तो 7वीं है, उस 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य लेगी ना, और अभी तो ब्रह्मचर्याणु व्रत लिया है तो उसका घर है, परिवार है, पति है, हैं? और नई उम्र हो तो बाल बच्चे भी होंगे ही। अब वो जो बच्चा होगा, अब वो उसको दूध पानी पिलाएगी कि नहीं पिलाएगी, दिन में रात में जो भी समस्या जैसा होगी ऐसा समय जितनी आवश्यकता के अनुरूप क्या करेगी, क्योंकि जो त्याग की बात आती है अंतिम टॉर्च की, उसमें तो मन वचन का है, वो कृत का है, तनमोदना सब आ जाती है। तो चाहे वो खाओ चाहे खिलाओ, और खासकर ये समस्याएं माताओं बहनों को बहुत है, क्योंकि वो घर के रसोई का जुम्मा उनके है, वो सबको रोटी बनाती हैं, वो तो रात में नहीं खाए और पति देवता खाए तो उसे बना के देना पड़े, तो उसके कृत के साथ नहीं कर कारित का दोष लगे,
क्यों? और एक दिन पति लेट हो जाए और तबीयत खराब हो, खाना नहीं खाए, तो उसे मना के भी खिलाना पड़े, क्यों? पति को शायद ना भी मनाना पड़े तो बच्चों को तो मनाना ही पड़े ना, और छोटा बच्चा रोता हो क्या करे? यानी उसका जो काम है वो इस टाइप का है कि वो त्याग खुद का तो सब कुछ कर सकती है कि मैं नहीं खाऊं, मैं नहीं पीऊं, लेकिन जो उस घर के वे सब तो अनुवृत्ति महावृत्ति नहीं है ना। तो कृतकायत अनुमोदना से त्याग नीचे की अवस्था में नहीं हो सकता। हो सकता होता तो आचार्य छद्मी प्रतिमा में नहीं रखते। और मुझे तो ये लगता है कि जब तक वो आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, गृह त्याग नहीं हो गए तब तक ही उसको मुश्किल है। अपन को लगता है उसमें क्या बात, नहीं खाएंगे, छोड़ दिया, खत्म हो गया, हम हो क्या? आप तक सीमित नहीं है ना ये बात। जब अपन मन वचन काय कृतकायत अनुमोदना की बात कहते हैं, कृत माने खुद करना, कार्य माने दूसरे को कराना, और तीसरा अनुमोदना करना, तो बनाना, परोसना, क्यों, खिलाना, मना मना करके क्या करें? जब उस बच्चे को भी 12 घंटे भूखा रखे बिल्कुल, और सवाल तो फिर अकेला वही है, पानी भी नहीं क्यों? तो एक ऐसा प्रतीक के रूप में कि हम जैनी रात्रि भोजन के त्यागी होते हैं, क्योंकि मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी है, और शाकाहारी जितने जानवर हैं वे सब दिवाहारी हैं, वे रात्रि में नहीं खाते हैं। शाकाहारी जानवर रात्रि में आराम करते हैं, दिन में खाना खाते हैं, और मांसाहारी दिन में आराम करते हैं और रात्रि में खाना खाते हैं। ना आपके में तो ये मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी है, इसलिए फर्स्ट स्टेज में भी रात्रि भोजन त्याग की बात है। और जब जब पूरा रात्रि भोजन त्याग की बात आती है तो फिर वो छठवीं प्रतिमा में इतने ऊपर जाकर के लेके गए, क्योंकि प्रैक्टिकल पूरी तरह मन वचन काय कृतकायत अनुमोदना से नीचे संभव नहीं है। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि वहां भी कितनी संभावना होगी, हो सकता है मेरे हिसाब से जितनी संभावना संभव होगी आचार्य ने वैसा ही रात्रि भोजन त्याग यहां पर रखा होगा। ख्याल में है ना? हमको ऐसा लगता है इसमें है क्या, लेकिन इतना आसान नहीं है। फिर सातवीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य। अब मान लिया ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले ली तो अब तो संतान होने का सवाल नहीं है। तो फिर 1 महीने की, 2 महीने की, 4 महीने की संतान होगी, उसको खिलाना अनिवार्य होगा, ऐसी परिस्थिति फिर पैदा नहीं हो सकती है। यद्यपि अभी ब्रह्मचर्य ले लिया और बच्चा 1 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो, नहीं हो सकता, मतलब कब लिया ये तो नियम तो है नहीं, लेकिन फिर भी अपने मान के चल लेते हैं कि भाई अब उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। इतनी बात मानी जा सकती है कि नहीं मानी जा सकती है? इसलिए ब्रह्मचर्य प्रतिमा सातवीं रखी, और उसके पहले न आरंभ का त्याग न परिग्रह का त्याग। परिग्रह परिमाण व्रत तो किया था, लेकिन पूरा परिग्रह का त्याग की बात नहीं करी। क्यों नहीं की? कि अभी शादी हुई है, बच्चे आएंगे, 2 होंगे 4 होंगे, अब तू अभी सीमित कर ले कि मैं इतना ही रखूंगा तो कैसे पढ़ाएगा, कैसे लिखाएगा, कैसे क्या करेगा? बोल, कहता मैंने व्यापार तो बंद कर दिया, धंधा तो बंद कर दिया, तो ये फैक्ट्री तो चालू है, बाल बच्चों की फैक्ट्री भी तो बंद कर, जुम्मेवारियां जिसे बोलते हैं ना, वो तो तुम अपने माथे पर ओढ़ता जा रहा है ना, क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी आज के अर्थ में, है ना। जिनकी एक बच्चा पैदा हुआ है तो उसे बड़ा पालना पोसना, बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना, शादी विवाह करके धंधे पानी से लगा देना, वहां तक की जुम्मेवारी हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जरा गंभीरता से हम विचार करें तो आज आपने ब्रह्मचर्य लिया है तो आप 10-20 साल 25 साल बाद आरंभ त्याग और परिग्रह त्याग कर सकते हैं। वो बात अलग है कि वो राजा, एक राजा थे तो उन्होंने अपनी पत्नी के गर्भ पेट में राज तिलक करके और राज छोड़ के चले गए, लेकिन राजमार्ग क्या है बोलो,
आपके दिमाग में चित्त में विकल्प कैसा खड़ा होगा? कोई रेयर केस की बात जाने दो, लेकिन जैसे अपने विद प्लानिंग कहते हैं, एक दफे मैंने कहा था, एक मेरे दोस्त थे, नाम नहीं बताता हूं, तो बार बार कहते थे मैं दीक्षा ले लूंगा, ले लेना भाई, ले लेना, तो बहुत ही ज्यादा कहने लग गया। तो मैंने कहा हर साल तो बच्चा पैदा करता जा रहा है, दीक्षा लूंगा कहता। मिस्टर जिस दिन दीक्षा लेना हो उसके 25 साल पहले ब्रह्मचर्य लो। संतीलाल जी, अभी मैं नाम नहीं लेता हूं क्योंकि वो है और अभी दूसरे ग्रुप में है, तो आकर के मेरे से झगड़ेगा। अपने ग्रुप में होता तो नाम ले लेता, तुम्हारा काम होता तो नाम ले लेता कैलाश जी, समझ में आया ना? मैं समझ में, क्योंकि आज बच्चा पैदा हुआ है तो किसके भरोसे छोड़ के जाके दीक्षा लेके चला जाएगा? क्या उचित है बताओ? मैं आपसे पूछता हूं, ये दूसरों के भरोसे तुझे ये काम करना है क्या? अपने भरोसे करना है कि जब तू सारी लायबिलिटी से फ्री हो जाए तब फिर तुझे जो करना हो तो करना। आज तो शादी की और कल मैं दीक्षा लूंगा तो क्या बोली कि सामने भी नाथ ले गए थे, फलाने नाथ ले गए थे, दीवन ले गए थे। अरे भाई बेल ले गए थे तो पहले ही नहीं करना चाहते थे। वो एक सिद्धांत अलग है। और जब विवेक पूर्वक हम कोई काम करते हैं पहले से सोच के, यदि तेरे को कल एकदम बैराग आ जाए और तुम लेके चले जाए तो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं रोकते हैं। लेकिन आज तू कोरा विचार ही विचार व्यक्त कर रहा है ना, घोषणाएं कर रहा है, लेना देना नहीं है, लिया उनने आज तक नहीं है। घोषणाएं करते थे कब? ये मैं बाप को बात 40 वर्ष पुरानी बता रहा हूं। जब करो तो कर देना ना, मैं 2 साल बाद दीक्षा ले लूंगा, 5 साल बाद दीक्षा ले लूंगा, जब लो तो ले लेना ना। उसका यस आज खाने की कोशिश क्यों करते हो? और ईमानदारी से यदि ये तुम्हारे विकल्प है तो ये प्लानिंग करो कि ऐसी कोई नई जिम्मेवारी अपने माथे पर मत लो। क्यों? मैं तो एक साल बाद राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, ले लूंगा, और प्रधानमंत्री के चुनाव पर खड़े हो रहे। क्यों? तो काय को देश को द्वारा चुनाव में झोंकोगे? बस तुम्हें जाकर के फिर बैठते ही गद्दी पे 6 महीना में इस्तीफा दे देना, फिर देश में फिर द्वारा चुनाव करेंगे। जब तुम्हारी प्लानिंग है राजनीति छोड़ने की, तो जो 1 साल बाद राजनीति छोड़ना चाहते हैं उनके लक्षण ऐसे नहीं होते हैं कि आज वे किसी चुनाव में खड़े हों। उनके लक्षण तो समेटने के होना चाहिए। तुम 2 की जगह 4 दुकानें बढ़ाते जा रहे हो और काम फैलाते जा रहे हो, समझ में आए ना? और मैं कहते मैं छोड़ दूंगा, ये दुनिया को मूर्ख बनाने के अलावा और कुछ नहीं है। कहने नहीं, नहीं बिल्कुल हमारे पर अविश्वास मत करो, हम छल नहीं करते हैं। तो फिर तुम दूसरों को मूर्ख नहीं बना रहे हो तो खुद को बना रहे हो, और खुद को भी नहीं बना रहे हो, दूसरों को नहीं बना रहे तो परमानेंट मूर्ख हो। क्योंकि ऐसा विवेक जिसके अंदर में नहीं है वो धर्म के साथ मजाक करेगा और खुद का भी मजाक उड़ाएगा और धर्म का मजाक भी उड़ाएगा। तो उन्होंने आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा के पहले ब्रह्मचरी प्रतिमा रखी। ख्याल में आई ना? कि अभी तुम यहां संतान नहीं बढ़ाओगे, ये सब नहीं बढ़ाओगे तो फिर तुम तब तो आरंभ छोड़ पाओगे ना। 2 महीना का बच्चा है, 6 महीना का बच्चा है, हम आरंभ नहीं करेंगे, मैं रसोई नहीं बनाएंगे, चक्की चूल्हा का काम नहीं करेंगे, तो उन्हें भूखों मारोगे, कौन पालेंगे तुम्हारे बच्चों को? हम परिग्रह नहीं रखेंगे तो भीख मंगवाओगे उन बच्चों से, क्या करोगे? तो पहले ब्रह्मचरी प्रतिमा, जैन दर्शन में बहुत वैज्ञानिकता से बात सोच के ये ली है। आज का यदि विकल्प तुम्हें करते हो तो प्लानिंग करो, जैसे अपन लोक में प्लानिंग करते हैं ना किसी चीज का, ऐसे आत्मा के कल्याण में दीक्षा लेने में भी प्लानिंग करनी चाहिए विवेक पूर्वक। और वो जो चीज है कि राजा से और हाथी पे बैठे बैठे बैराग हो गया, दीक्षा ले ली, वो अलग अपेक्षाएं हैं। और ये अपेक्षा जो जैन दर्शन में बताई है वो जुदी अपेक्षा है, ये अपेक्षा विवेक सम्मत है, इसलिए हरेक को ऐसा ही करना चाहिए। तो अभी अपन ने 7वीं प्रतिमा तक ब्रह्मचर्य तक की बात की, फिर आगे की प्रतिमाओं की चर्चा अपन अगले व्याख्यानों में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। जावाणी क
के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हैं।